वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में गाल बोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। हींअर मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मूंखे जॉइन कयो आहे नाले वारे वकील अली नासिर बलोच साहिबु। अली नासिर बलोच साहिबु सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान साहिब ते जेको हमिलो थियो आहे। हमिले खां पोइ स्टेट जे तरफ़ां एफ आई आर दाख़िल कराई वई आहे, जंहिंखे तरीक़े इंसाफ़ रद्द करे पई। जॾहिं त ख़ान साहिबु ते हमिले खां पोइ उनजो जेको इलाजु थियो आहे उहो संदसि ख़ानगी इस्पताल में थियो आहे, शौकत ख़ानम कैंसर इस्पताल में। उनखे जेके गोलियूं लॻल आहिनि चार, उन ते वफ़ाक़ी सरकार, ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी घरु वज़ीर राणा सनौला सुवाल उथारे पियो। हीअ समूरी सूरत हाल जो जेको क़ानूनी पस मंज़र आहे उहो कहिड़ो आहे, पाण अली नासिर साहिब सां कचहरी करे मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलामु अलैकुम बलोच साहिब। वालेकुम सलाम गाज़ी साहिब। बलोच साहिब, हीअ जेका एफ आई आर दाख़िल थी आहे उन में ग़ैर ज़रूरी देरि थी, छाकाणि त तव्हांजे इल्म में आहे त ख़ान साहिबु टे नाला खयां हुआ, उन्हनि नालनि खे एफ आई आर में एड न पे कयो वियो, नतीजे में आख़िर में स्टेट जे तरफ़ां एफ आई आर दाख़िल थी आहे हथ कयल जवाबदार जे ख़िलाफ़। ऐं हाणे तहरीक इंसाफ़ उन एफ आई आर खे तस्लीम न पई करे, क़ानूनी तौर ते इहो मसइलो डिस्पोज़ ऑफ कीअं थींदो वकील साहिबु? गाजी साहब, सब का वो असाजे मुल्क में मसलो यो आ जी, अस कानून ते सही तरीके से अमल दरामद नो थे जी। पे अचू था इमरान खान साहब जी रैली में हमलो थो जी, उन्हें इमरान खान साहब एक वर्जन दिनो तो मुझे ख्याल में इन किस्म की एफ आई आर कटजन खपे। हाँ एक गाल समझण खपे तो कानून मुल्क जो जो होंगे उन्हें में हर शल मौजूद आ, बिल्कुल सही। तंहिं करे कंहिं बि ॻाल्हि ते परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। मूंखे समुझ नथो अचे त इदारा छो परेशान थियनि था जेकॾहिं वज़ीर आज़म साहब जो या होम मिनिस्टर जो या कंहिं इदारे जे कंहिं बाला ऑफिसर जो नालो इमरान खान साहब खणनि था त उन ते परेशान थियण जी का ज़रूरत न आहे। ऐं उहे ई एफ आई आर कटिजणु खपे कानून मुताबिक़, जीअं मुदई चाहे थो। जेको विक्टम आहे उहो चए थो त मुंहिंजी एफ आई आर हिन तरीक़े सां कटियो त उन तरीक़े सां ई एफ आई आर कटजणु खपे। इहा ॻाल्हि किन हल्कनि जे तरफ़ां साम्हूं आई त एफ आई आर कटाइण जे लाइ बि एविडेंस जी ज़रूरत आहे, अहिड़ी का बि ज़रूरत न आहे। एफ आई आर हमेशह पहिरियों क़दम आहे कानून खे, जीअं सुप्रीम कोर्ट बाद में चयो इहो बिल्कुलु सही कानून जी इंटरप्रिटेशन ऐं वर्जन हुयो जेको असांजी सुप्रीम कोर्ट चयो त एफ आई आर कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खे मूव करण जो पहिरियों क़दम आहे। तंहिं करे उहो क़दम खणबो त अॻिते मूव थींदो। अली नासिर साहब, इहो उहो मौक़ुफ़ आहे जेको सुप्रीम कोर्ट जंहिंजी तशरीह कई या जेको तव्हां ॿुधायो पिया, जेको पंहिंजे मुल्क में कानून जे किताबनि अंदरि लिखियलु कानून आहे उहो इहो आहे, ॿुधाए पियो त एफ आई आर फरियादी जो हक़ आहे, फस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट संदसि ज़बानी संदसि चवाणी अखर ब अखर लिखी वेंदी, जेको एफ आई आर में आख़िर में नोट बि हिकिड़ो लिखियलु हूंदो आहे बदक़िस्मती सां। पर प्रैक्टिकली त पंहिंजे मुल्क में जॾहिं इमरान खान साहबु वज़ीर आज़म हुयो तॾहिं बि ईअं न पिए थियो, अॼु जॾहिं सुप्रीम कोर्ट मौजूदु आहे, पाकिस्तान जे कंहिं बि थाणे में वञो, किथे बि वञो तव्हां, उते एफ आई आर त पुलिस जी मर्ज़ी सां थींदी आहे। बकरी चोरी जो केस हुजे या क़तल जो केस हुजे, एफ आई आर जे लाइ जेका एस ओ पी आहे उहा त ॿी आहे न, जेका प्रैक्टिकली जेको ज़मीन में ते कानून जेको एग्ज़िस्ट करे पियो उहो ॿियो आहे, किताबनि में ॿियो आहे, इहो सच न आहे वकील साहिबु? बिल्कुलु तव्हां सच चओ था। जेकॾहिं थाणे ते एफ आई आर कटाइण जे लाइ माण्हू ईंदो त थाणे जो जेको इंचार्ज ऑफिसर वेठो आहे उहो चवंदो त मां बाला ऑफिसर खां पुछां, हालांकि कानून में उन इंचार्ज जेको कानून थाणे में इंचार्ज ऑफिसर वेठो आहे उनखे हक़ ॾिए थो कानून, उन जी ड्यूटी आहे त हू एफ आई आर कटे जीअं अची को माण्हू चए थो। हाणे कम न करण जो बहानो, इन्वेस्टिगेशन न करण जो बहानो, केस न वठण जो बहानो, इहे सभु मामला असां वटि प्रैक्टिकली, तव्हां गाजी साहब बिल्कुलु सही था चओ। पर मां तव्हांखे हिकिड़ी मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां, ॿ ॻाल्हियूं मां ॿुधाइण चाहींदुसि। पंजनि ॾींहनि ताईं हीअ एफ आई आर न कटी वई, जेको माण्हू जेको मुल्ज़िम नवीद ऑन द स्पॉट पकड़ियो वियो, असांजे आईन में इहो लिखियलु आहे त कंहिं बि माण्हू खे 24 कलाकनि जे अंदरि अंदरि गिरफ़्तार करण खां पोइ मैजिस्ट्रेट वटि वठी वञिणो आहे। मैजिस्ट्रेट वधीक उन जो रिमांड ॾिए थो, उन जी वधीक कस्टडी खे लीगलाइज 24 कलाकनि खां पोइ मैजिस्ट्रेट कंदो। जेकॾहिं मैजिस्ट्रेट वटि माण्हू खे पेश नथो कयो वञे त 24 कलाकनि खां पोइ उन जी डिटेंशन इलीगल आहे, गैर कानूनी आहे। असां वटि मुल्ज़िम गिरफ़्तार ऑन द स्पॉट थिए थो, 5 ॾींहं उनखे रखियो वेठा आहिनि, एफ आई आर दाख़िल न थी थिए, ऐं उन माण्हू जी
जगह डिटेंशन आप गैर आइनी आ गैर आइनी बिल्कुल बलोच साहब नरगो नरगो डिटेंशन गैर आइनी आ पर जड़े तरीके से उन जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करे पुलिस कस्टडी में वायरल कराया वो जड़े तरीके से उनकी जो आइडेंटिटी है उनके पब्लिक किया वो यकीन इन्वेस्टिगेटर्स जो इलाही सारा सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स तरफ वजन था पर इतने वरी बदकिस्मती से जहाँ पॉलिटिकली इन मामले के दिसंदो तो गवर्नमेंट पंजाब में इमरान खान साहब की है चौधरी साहब उत्तर वेठो आ पुलिस उनके अंडर है सजो कुछ एडे वे पैमाने से जहाँ बदनज़मी थी है नाअहली थी है या जानी वाणी जो मुजुर्मानी गफलत कई वही है उनकी रेस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी असा सब इदारा मुलविस कानून के मुताबिक शन के हलन नथा दें पर गाजी साहब मां अज एक नो एस्पेक्ट बुधाया समूरे मामले जो जो शायद डिस्कस न थो हिं जी जी असाजे कानून में एफ आई आर जो फरियादी आ उन्हें जी लफ्ज़ ब लफ्ज़ जी तुम फरमा तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जी फरियादी चे तो तीन एफ आई आर वी पर जर एफ आई आर गलत बुधाए तो फरियादी तो उन्हें जो सदेबाब भी कानून में मौजूद है बुधाई तो हल अस पाकिस्तान पीनल कोड जो सेक्शन 177 वो चे तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दिनी वे थी कें भी पब्लिक सर्वेंट के तो वो एक ऑफेंस इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जका इंफॉर्मेशन आ फर्स्ट इंफॉर्मेशन वह गलत आ इन्वेस्टिगेशन में हु कोई सबूत ने जो नथो दे सके इन्वेस्टिगेशन जका थे थी उन्हें में साबित थे तो या इंफॉर्मेशन गलत आ तो उन्हें ते 177 पीपीसी की कार्रवाई थी सके थी जैसी सजा 6 महीना है उन्हें को मां ताके भी गाल बताए वाला सिर्फ एफआईआर कटाएं काफी ना है उन्हें को इन सा ही लागापियल एक सेक्शन मां ताके बुधाया सेक्शन 182 पीपीसी वो चे तो कोई भी मानू कें भी पब्लिक सर्वेंट के गलत इंफॉर्मेशन दे तो इन्हें पर्पज से इन्हें इंटेंशन से तो हु उन्हें पब्लिक सर्वेंट जो पावर इस्तेमाल कंदो कें बे मानू के नुकसान पहुंचाने के लिए जो इन केस में थी सके तो मुमकिन तौर से तो उन्हें में छाए उन्हें में यो वो अड़े दो के बारे में पब्लिक सर्वेंट के इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो जैसी सजा मौत आ तो उन्हें की सजा अड़ी गलत इंफॉर्मेशन देने की सजा 7 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट उन्हें सजा है दो अड़ी गलत इंफॉर्मेशन देने की सजा 5 साल हाँ इमरान खान साहब जो जो केस आ वो एंटी टेररिज्म के कानून तहत केस आ जैम सेक्शन कत्ल इकदाम कत्ल जी बिल्कुल इन जो मतलब की उसे सेक्शन सन जैकी सजा मौत आ तेरे जर अगत हली यो साबित थे तो या गलत इंफॉर्मेशन दिनी वही जन मानू जा नाला खया वन था उनके नुकसान पहुंचाने के लिए तो पब्लिक फंक्शनरी के यूज कजे उनके नुकसान दियण के लिए या गलत इंफॉर्मेशन की सजा 7 साल आ कानून वट हर शे जो रस्तो मौजूद बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब पर बदकिस्मती से बई धुरियों कानून ते अमल न पयो करन जेकर तमा या असा जिम्मेदारी फिक्स था कयों कानून लागू कंदड़न ते त उनन एफआईआर इमरान खान साहब जे चवण ते दाखिल न कई आ जका कानून जे खिलाफ वर्जी आ बे पासे जको मेडिकल थियो आ खान साहब जो वो संदसी अस्पताल में थियो आ अज तई इन मामले ते भी सवाल उथन पाया बलोच साहब आ चाहिंदुस तक मुख्तसर रहनुमाई वे तो खान साहब जो जो मेडिको लीगल हो वो तो प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थियन खपे हा डॉक्टर तब तपास करन हा तो उनके कड़ा जख्म केतर गोलियो हिंसर तो यो बहस पो हले तो खान साहब पैंजे खानगी अस्पताल में वो उनके केतर गोलियो लगियों लगियों भी या थो इन समूरी सूरत हाल के तुम लीगली कें पाया ऐसो इन्हें जो बिल्कुल सिंपल एफ आई आर पहरें ही कटी वे हा जी फरियादी जो वर्जन उन्हें मुताबिक कटे सरकार के तरफा जो डॉक्टर मेडिको लीगल के लिए नामजद थल उन्हें डॉक्टर के तरफा ट्रीटमेंट कई वे हा या ट्रीटमेंट कें भी जगह से थी तभी उन्हें डॉक्टर के इन्वॉल्व किया वे हाँ वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट दे हा तो इन मामले के इमरान खान सहकार न करे हा इमरान खान जर सहकार उन्हें मामले में न करे हा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या डॉक्टर हो कंसर्नड वो जर अड़े किस्म की इंफॉर्मेशन घुरे पो इन लिए भी मुख्य याद अचे तो सेक्शन आ 179 पीपीसी जैमें यो आदम कें भी पब्लिक सर्वेंट के जो अथोराइज आ को सवाल पूछने के लिए तुम उन्हें उन्हें जवाब नथा दियो तो यो खुद एक ऑफेंस आ
जैसी सजा पिन छह महीना है। हियर बलोच साहब, अजोकी डेट में जो स्टेटस है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट वैलिड होंद या इनके मेडिकली कि डील किया वो इन समूरी सूरत हाल के जैसे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जो अथोराइज डॉक्टर आो दी तो लीगल आ वैलिड आ अदरवाइज वैलिड ना है। जैसे ट्रीटमेंट किथों भी थी सके थी ट्रीटमेंट थे पर उन्हें डॉक्टर के उन्हें में इन्वॉल्व किया वे सर्टिफाइड करे गोलियों केतरी अली नासर बलोच साहब तुम वक्त दिनों व्यूअर्स मुझे सेगमेंट जो वक्त महदूद थे तो काफ़ी शूँ गए सकन पे बलोच साहब इलाही सारो अस लीगली अवेयरनेस दिनी मालूम फराहम कई हिंसर वक्त थे पे ब्रेक जो ब्रेक का पा वापस इंदी प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखा।